हेलो फ्रेंड्स, माधनी कैंडी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कहीं मोस्ट ऑफ टॉपिक भारत के मेले और त्यौहार, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो नंबर के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको टेंशन लेने के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। क्वेश्चन इसमें 89 तक हैं। हम इसमें पार्ट वन पार्ट टू के इस तरह से डिवाइड करके आपको सारे करवा दूंगी, और सारे आपको ट्रिक से करवाती हूँ, रिविजन भी इतना करवाती हूँ कि आपको वहीं के वहीं याद हो जाता है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सभी वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने टॉपिक ट्रिक से करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है, ठीक है। सर झार, रा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ये सरहुल कहाँ पे? झारखंड, ठीक है। और बाकी आपको रिवीजन करवाती रहूँगी जब तक यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये है बिहार और झारखंड। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कर्मा से आप रखेंगे कर्म, आप लाइफ में बस कर्म करते रहो, हार की चिंता मत करो कि हम हारेंगे या जीतेंगे, ठीक है। तो हार की चिंता मत करो, तो हार और झार दोनों आ रहे हैं ना, हार झार, इस तरह से आपको याद रहेगा। कर्मा कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार और झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है, ओडम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बहुत ही फेमस है, जैसे मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य वगैरह करवाए थे केरल, करेले से बताया था कि करेले पसंद है, मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ओडम, ओडम आपको बताना है किसका है, तो ओडम भी इसी का है, केरल राज्य का, ठीक है। प्रमुख त्यौहार है ओडम, ओके से याद कर लो, ओडम का ओ ले लो, केरल का ए, ओके ओडम, ओके, ठीक है। ओडम कहाँ पे मनाया था? केरल में मनाया था, वैसे भी फेमस है, आपसे ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहिनीअट्टम और कथकली मैंने आपको नृत्य करवाए थे, वो भी केरल की थे, जो कि मैंने ट्रिक से करवाए थे आपको, ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये भी फेमस है, तो ये तमिलनाडु का, ठीक है। अब ट्रिक से कैसे करेंगे? आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे तुम मिल गल, तुम मिल मैंने तुझसे क्या करनी है? गल करनी है, बोलते हैं ना ऐसे लैंग्वेज में, तुम मिल तो सही, मैंने तुझसे गल करनी है, ऐसे गल तुम मिल, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, बस थोड़ा सा आप कोरिलेट करिए, और आप अच्छी ट्रिक बना सकते हैं तो आप खुद से बना के जरूर ट्राई करें, इससे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, आप कभी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखो कितने इजी से हैं, बिहू से आप समझ जाएंगे, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 5 का डी, 6 का ए, दोनों ही असम। बिहू बहुत ही फेमस है, बिहू कहाँ का है? असम का है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। बैसाखी बहुत ही सिंपल है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, और इसके मैंने आपको नृत्य करवाए थे गिद्धा और भांगड़ा, तो साथ ही साथ जो क्वेश्चन मुझे याद आते जा रहे हैं वो आपको रिविजन करवा देती, ठीक है। गिद्धा भांगड़ा के फेमस नृत्य हैं, बैसाखी जो ये त्यौहार है ये पंजाब में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। गुड से याद रखें गॉड, गॉड क्या होते हैं? बहुत ही महान है भगवान, तो हमारे बहुत ही महान होते हैं, तो गुड़ी महाराष्ट्र, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। 9 नंबर है, विशु, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। जैसे मैंने आपको ओके करवाया था केरल में, तो यहाँ पे इस तरह से कर लो वी के ओके। वैसे आपको ओडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इतना नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। उगादी से याद रखना ऊब, मतलब हम नाटक देख देख के बहुत ऊब चुके हैं, आजकल के नाटक क्या वही टेम्परली वही स्टोरी होती हैं, तो आजकल के जो नाटक आ रहे हैं उनको देख देख के हम बहुत ऊब चुके हैं, तो उगादी तो नाटक से कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक का जो फेमस मैंने आपको करवाया था नृत्य यक्षगान, जो कि टैट में पूछा गया था, सुपर टैट में भी यक्षगान है, ठीक है। नेक्स्ट है, युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरातियों का है, ठीक है, युगादि गा से गुजरात, इस तरह से याद रखना। लोसांग इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया, लोसांग उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया था लोसांग, सा से सिक्किम, ठीक है। लोसांग कहाँ पे मनाया था? सिक्किम में, लोसांग सा से सिक्किम, सा से सांग, इस तरह से आप कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट है, थाई पूसम त्यौहार निम्न में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है,
सॉरी मनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको जस्ट ट्रिक करवाई थी, तू मिल मैंने तुझसे क्या करनी है, गल करनी है। तो पोंगल, पोंगल भी है और थाई पूसम भी है, तो ये सब दोनों कहाँ पे हैं, तमिल में, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये पूसम से आप थोड़ा पूनम से कोरिलेट कर लो, ठीक है, इस तरह से। पूनम से क्या करनी है, गल करनी है। तो पोंगल और पूसम ये दोनों तमिलनाडु में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो सिंपल है, पुरी में, उड़ीसा में, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, रथ यात्रा कहाँ पे, पुरी में, इस मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 15 देखो, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है, तो ये पारसी से है, नवरोज या नौरोज आ जाए तो पारसी से है। ठीक है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, कालचक्र, तो ये है बौद्ध धर्म से। ठीक है, कालचक्र किससे है, बौद्ध धर्म से। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है, सागा दावा, तो ये भी बौद्ध धर्म का है, कालचक्र भी और सागा दावा भी। पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है, उड़ीसा में जो निकलती है, तो अब इसने पूछा कि किन के सम्मान में, तो ये कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, कृष्ण के भाई थे बलराम। नेक्स्ट है छठ पर्व, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, बहुत ही हार्ड होती है, पानी में इसमें कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है, तो इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। ये बहुत ही सिंपल है, जन्माष्टमी के दिन किसका होता है, श्री कृष्ण का है। पारसी फिर से आ गया, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है क्या, नव। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है, तो ये यही है छठ पूजा, अभी आपको बताया था। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था, तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, रायगढ़ किले से इसका शुरुआत की थी, इस उत्सव की, शिवाजी उत्सव की। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, अंत में क्या कहलाता है, तो अभी कुछ दिन पहले ही ईद मनाई गई थी, मीठी ईद, तो उसमें भी लास्ट का दिन था, तो उसको क्या बोलते हैं, ईद उल फितर, क्या बोला जाता है, ईद उल फितर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, ईद उल मिलादुल नबी। नेक्स्ट है ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है, सारे त्यौहार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये हजरत इब्राहिम। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, तो ये अजमेर में फेमस है, बहुत ही इनकी दरगाह अजमेर में। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, आप आराम से कर लेंगे इसका आंसर, क्रिसमस, इसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ईसा मसीह दोबारा से जब जीवित हुए थे तब कौन सा त्यौहार मनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ये चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे को, और यहाँ पे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में भी गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है, और हजरत ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे वाले दिन। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका सही आंसर आपको इसका पार्ट 2 में कराऊंगी, इस पार्ट में हम इतने क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो भी आपको लग रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, थैंक यू सो मच।